दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक दुबे और आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप कभी ना कभी मोबाइल हैंगिंग से मिले होंगे। मतलब मेरी कहने का मतलब ये है कि आपका मोबाइल फोन या आपके दोस्त का मोबाइल फोन या आपके फ्रेंड का मोबाइल फोन या आपके फैमिली के किसी मेंबर का मोबाइल फोन स्मार्टफोन कभी ना कभी हैंग हुआ होगा, जिसे आप देखे भी होंगे और महसूस भी किए होंगे। तो बात आती है कि आखिर मोबाइल हैंगिंग होता क्या है, और आज इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा मोबाइल हैंगिंग से, मोबाइल हैंगिंग क्या होता है और मोबाइल हैंगिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, ए टू जेड सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात आती है कि आखिर में मोबाइल हैंगिंग क्या होता है। दोस्तों, जब कभी भी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन कभी कभी अचानक काम नहीं करता है। आप किसी चीज को प्रेस करते हैं, किसी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन यानी ऐप जो आप ओपन करते हैं, तो वो कभी कभी ओपन नहीं होता है। या आप कभी वीडियो आप देख रहे हैं, या कभी आप गाने सुन रहे हैं, या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो अचानक आपकी कभी, अगर मान लीजिए आप गाने सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो कट जाता है, हट जाता है। या अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हैं या एप्लीकेशन को आप ओपन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका फोन स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक फिर स्विच ऑन होता है। तो यही सारे लक्षण है मोबाइल हैंगिंग का, यही होता है मोबाइल हैंगिंग। और भी सारे तमाम तरीके हैं, तो जिसमें में से मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए, ये है मोबाइल हैंगिंग के लक्षण और यही है मोबाइल हैंगिंग, मोबाइल हैंग जिसे में हम लोग कहते हैं कि यार मोबाइल हैंग हो रहा है मेरा। दोस्तों, बात आती है कि आखिर में मोबाइल हैंगिंग होने के क्या कारण है, मोबाइल हैंग होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात वो है कि जब कभी भी आप अपने स्मार्टफोन में मोबाइल ओपन करते हैं और किसी चीज़ को आप, जैसे मान लीजिए वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, तो आपको कई सारे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना पड़ता है। किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, तो कई कई बार आपको एप्लीकेशन को आपको, मतलब जो आपके स्मार्टफोन में तमाम तरह के एप्लीकेशन हैं जो आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको ओपन करना पड़ता है। तो इसे जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, ओपन करते हैं, चलाते हैं, अपने मतलब अपने प्रोजेक्ट में आप यूज करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड में एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चला जाता है, जो इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। यहाँ से सुनिएगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा यार, वीडियो एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाएगी। और ये मैं गारंटी लेता हूँ यार कि आपका मोबाइल फोन कभी भी नहीं हैंग करेगा यार, गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दूसरा कारण क्या है कि जब कभी भी आप अपने स्मार्टफोन में कोई मान लीजिए वेबसाइट आपने ओपन किया, किसी एप्लीकेशन को आप जब यूज ओपन करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड में डाटा जो होता है, डाटा जिसे फाइल कहा जाता है, कुकीज फाइल, मैं आपको इसके मतलब अभी पहले आप बात सुन लीजिए, जो डाटा होते हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैचे डाटा और कुकीज फाइल। तो इन दोनों, जो मैंने आपको दो बातें बताई, कैचे डाटा और कुकीज फाइल, इन दोनों को आप अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले इसका कारण समझ लीजिए कि आखिर मोबाइल हैंग होने के क्या कारण है। बात आती है कि आप जब मोबाइल को आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा 2 घंटा जब चला लेते हैं, तो चलाने के बाद ऐसे रख देते हैं, तो बट ये गलत करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा। तीसरी बात आती है कि जैसे मान लीजिए आपने स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जब प्रोसेसर अच्छा नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं कि हैवी ऐप्स का आप यूज करने लगते हैं। ये है सारे मोबाइल हैंगिंग के कारण। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं करता यार, गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी से बता रहा हूं, आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं करता है। बात करते हैं कि मोबाइल हैंगिंग को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस ये है, और दूसरी बात ये हो गई कि डाटा और फाइल को कैसे डिलीट करें जिससे आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, पहले आपको जाना है अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद दूसरे आप कहीं पर देखेंगे, ऊपर नीचे स्लाइड करके देख लीजिएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तो देख ही सकते हैं क्योंकि आप ही का हथियार है यार, देख सकते हैं। तो वहाँ आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं, आप कहीं होगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आप जब ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा रनिंग, इंस्टॉल्ड और ऑल के ऑप्शन पर आपको जाना है। और जब ऑल के ऑप्शन पर आप जाएंगे, तो आपको दो लिस्ट देखना है, ध्यान से सुनिएगा, दो लिस्ट देखना है आपको। तो पहला लिस्ट क्या है, आपको देखना है डाउनलोड मैनेजर, डाउनलोड मैनेजर के बाद उसी के नीचे जस्ट होगा या आगे पीछे होगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो दोस्तों, आपको डाउनलोड मैनेजर के दो ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्लियर डाटा, क्लियर कैचे, और इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर कैचे, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा ऑफ
या क्लियर, तो आपको क्लियर कर देना है। क्लियर के बाद आप जैसे वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर डाटा, इसे भी आप क्लियर कर दीजिएगा। तो ये दोनों यही प्रोसेस आपको डाउनलोड में भी जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये प्रोसेस जो प्रोसेस बताया, इसे आपको डाउनलोड मैनेजर में करना है। यही प्रोसेस आपको डाउनलोड में मिलेगा, इसे आप वहाँ पर कर लीजिएगा। और दोस्तों बात तीसरी आती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो तीसरी बात ये आती है, जब आप अपने स्मार्टफोन को चलाते हैं, चलाने के बाद जब पूरी तरह से स्कैन कर दीजिए। स्कैन कैसे करना है, तो ये अगला प्रोसेस आपको क्या करना है कि जैसे आपके स्मार्टफोन में बहुत ऐसे लोग होते हैं, मैं भी रखता हूँ, तो अपने इंटरनल स्टोरेज में जो भी आप रखते हैं, वीडियो हो गया और उसके बाद ऑडियो हो गया, मतलब म्यूजिक हो गया, जो भी रखते हैं उसे ऐसा, मतलब बहुत से लोग तो फुल करके रखते हैं, लेकिन ऐसा आपको क्या करना है, जैसे मोबाइल फ़ोन में आपके वीडियो हैं, गाने हैं, तो उसे आप मतलब बांट दीजिए, कुछ एसडी कार्ड में रख दीजिए और कुछ इंटरनल स्टोरेज रखिए। इससे ये रहेगा कि दोनों का रेशियो बराबर रहेगा, और ये आपके प्रोसेसर पर और आपके इंटरनल स्टोरेज पर, जैसा आपका प्रोसेसर है, जैसा आपका स्मार्टफोन का आपका रैम है, इस पर आपको दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो भरे रहते हैं, दबा रहेगा तो आपके प्रोसेसर के ऊपर दबाव डालता है, जब दबाव डालता है तो आपका मोबाइल फोन हैंग होता है। तो ये हैं कुछ टिप्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं कभी भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।